सत्संग जी, प्रेम से कहना, सत्संगत करीब एक बरस के बाद इन्हीं मैदानों में, जहाँ पर बरसों बरस ये सालाना संत समागम का आयोजन हो रहा है, 67वां संत समागम है ये, और 66 बार पहले दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग मैदानों में इसके आयोजन होते आए हैं। और देखते ही देखते ऐसा विशाल रूप धारण मानवता का ये होता आ रहा है, जहां आप सभी देश के हर प्रांत से, विश्व के अनेकों मुल्कों से श्रद्धापूर्वक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस मालिक परमात्मा ईश्वर निराकार का आधार लेते हुए जो इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं, सभी भक्तजन जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं, वो इसी प्रकार से मानवता में यकीन रखते हुए, मानवता का आधार लेते हुए इस सत्य के मार्ग पर चलते चले जा रहे हैं। और आज भी यहाँ पर अनेकता का है, अनेकता में एकता का एक जो स्वरूप हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। मिशन का यही मकसद है कि अनेकता हिंदुस्तान, इस मुल्क में हमें लगातार स्थान स्थान पर देखने को मिल रही है, और विश्व के अनेकों मुल्कों में भी अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों पहरावे हैं, अनेकों संस्कृतियां हैं, और हिंदुस्तान मुल्क में भी हम इसी तरह से अनेकों अनेकों भाषाएं, पहरावे, रहन सहन के ढंग वो हम देखते हैं। तो ज़रूरत हिंदुस्तान हो या फिर विश्व भर में, अनेकता में एकता की है, एक सद्भाव की है, एकत्व की है। इसलिए इस समागम का थीम भी मुख्य रूप में हार्मनी इन वननेस रखा गया है, कि एकत्व में सद्भाव, ये सद्भाव हमारे हृदय में हों एक दूसरे के प्रति, और यही सद्भाव ही हमेशा संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों के रहे हैं। उनके लिए कोई पराया, कोई बेगाना नहीं रहा, उनके लिए कोई दीवारें नहीं रही। इसी तरह से आप भी इन्हीं उसूलों को मानते हुए, एकत्व के भाव से युक्त होकर, एक प्यार से संसार को सजाने के लिए यत्नशील हैं। तो आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, और आपके दर्शन करके बहुत खुशी हासिल हो रही है, और साथ ही साथ जो योगदान लगातार बरसों बरसों से दिए गए हैं, उनके प्रति श्रद्धा और एहसास ये हमेशा हृदय में हमारे बसा रहे, कि वाकई ही ऐसी ऐसी देन दी गई हैं। और राजमाता जी की शारीरिक किस प्रकार से एक कमी महसूस हो रही है, लेकिन उनकी देन और उनके आशीर्वाद वो हमारे जीवन का आधार हैं, और हम इसी प्रकार से उन्हीं भावनाओं से युक्त होकर एक प्यार भरा संसार सजाते चले जाएंगे, और दुनिया को एक सुंदर स्वरूप हम प्रदान करते चले जाएंगे। सत्संग जी, धन्यवाद।